हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम HTML, CSS, JavaScript, jQuery, रिस्पॉन्सिव डिजाइन और प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के बारे में हम सब कुछ देखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। तो जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे वेबसाइट डेवलप करते हैं, कैसे होस्ट करते हैं और किस तरीके से हमारा वेबसाइट काम करता है, जब आप बारे में कुछ भी टाइप करते हैं तो वेबसाइट कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने हमारा इस सीरीज का पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आपको उस वीडियो से मिलने वाला है। उस वीडियो को एक्सेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसमें एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करिए और इस प्लेलिस्ट को बुक मार्क कर लीजिए। उस प्लेलिस्ट में आपको पहला वीडियो मिल जाएगा और उसको देखिए, वेब डेवलपमेंट का पहला वीडियो। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट में HTML, क्योंकि HTML ही पहला स्टेप होता है जहाँ से वेब डेवलपमेंट शुरू होता है। सबसे पहले हम HTML के बहुत सारे वीडियो देखेंगे विद प्रैक्टिकल, उसके बाद CSS पर हम जाएंगे, उसके बाद JavaScript, jQuery, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, हर चीज़ कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस सीरीज में, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रियली वेब डेवलपर बनना चाहते हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आप YouTube पर सर्च करते होंगे, देखते होंगे बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाल रखा है, बस डायग्राम के थ्रू ऐसे वेबसाइट वगैरह दिखाकर आपको वीडियो प्रेजेंट कर देते हैं आपके लिए, लेकिन वो कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज नहीं दे पाते। हम आपको देंगे कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज बिल्कुल प्रैक्टिकल, हम स्टेप बाई स्टेप सब कुछ देखेंगे। आज के वीडियो में हम HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि HTML है क्या, किसने डेवलप किया, कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, टैग का मतलब क्या होता है। और अगले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखने वाले हैं, जिसमें कि इंस्टॉलेशन करेंगे, एडिटर का किस एडिटर पर आपको काम करना होगा, आगे हम देखेंगे वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वेबसाइट डेवलप किए जाते हैं, और एक एक करके सारे HTML के टैग को हम देखने वाले हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन क्लिक कर लें, ताकि मैं जैसे कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें और आप जल्दी से वेब डेवलपर बन जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि HTML होता क्या है। तो देखिए, ये प्लेलिस्ट है, यहीं पर सारे वीडियो दिखेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इस URL को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस करके कॉपी करके अपने URL में पेस्ट करके इसको बुक मार्क कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, बुक मार्क करके रख लीजिए, ताकि आप कभी भी क्लिक करें उस लिंक पर तो आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस हो जाए, ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ कॉर्पोरेट लेवल का मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू HTML, मतलब HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब HTML होता क्या है। देखिए, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, इस सब के बारे में हम स्टेप बाई स्टेप इसी वीडियो में देखेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल भी करके आप लोग को दिखाऊंगा, हालांकि मैं आप लोगों को एडिटर इंस्टॉल करना नहीं सिखाया हूँ कि कैसे कौन से एडिटर पर हम काम करेंगे, तो हम इसलिए इस वीडियो में नोटपैड पर ही हम टैग लिखना और उसका एग्जांपल करके रन कराकर दिखाऊंगा आप लोग को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। जहाँ भी डाउट होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे, ये गारंटी है। उसके बाद आप देखिए कि HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। HTML क्या है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं होता है, जो वेब पेज के लेआउट को डिजाइन करता है। अभी मैं बताने वाला हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है। देखिए, मार्कअप लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कैलकुलेशन वगैरह होते हैं, बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है, वो एक नहीं कर सकता है। ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन एक मार्कअप लैंग्वेज है जो लेआउट डिजाइन कर सकता है, वेब पेज के फॉर्मेटिंग को डिजाइन कर सकता है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेब पेज को स्ट्रक्चर डिस्क्राइब क्या करता है, HTML डिस्क्राइब करता है वेब पेज के स्ट्रक्चर को, और ये ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है।
तो हम बात करेंगे अब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है, इसके एक एक पार्ट का मतलब समझिए। ये इंटरव्यू में लोग पूछ लेते हैं, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि होता क्या है। देखिए, हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि सिंपली टेक्स्ट हैज ए लिंक विद इन इट, मतलब कि ऐसा टेक्स्ट जो जिसमें लिंक हो। अगर आप किसी लिंक पर क्लिक करके दूसरे वेब पेज पर जा रहे हैं, तो समझिए कि आप हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक किया आपने। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट हैज ए लिंक विद इन इट, ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर लिंक हो। तो आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं किसी लिंक पर क्लिक करके, तो डेट इज द हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, वेन एवर यू क्लिक ऑन ए लिंक विच ए ब्रिंग ब्रिंग्स यू टू ए न्यू वेब पेज, यू हैव क्लिक्ड ऑन ए हाइपर टेक्स्ट, जो अभी मैंने बताया। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जो लेआउट अप्लाई करता है, फॉर्मेटिंग करता है वेब पेज के डिजाइन को। बिना HTML का कोई भी वेबसाइट आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। देखिए, बिना CSS और JavaScript का वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं बिना, लेकिन HTML के बिना वेब पेज डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यही खाका बनाता है, यही लेआउट बनाता है। उसके बाद आप CSS को लगाकर ब्यूटी देते हैं उसको, और JavaScript लगाकर उसका ब्रांड डेवलप करते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर जो डिफाइन करता है, HTML ही करता है। इसलिए HTML बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मार्कअप लैंग्वेज है जो लेआउट डिजाइन करता है। वेब पेज क्या होता है? ये वेब पेज, ये डॉक्यूमेंट विच इज कॉमनली रिटन इन HTML एंड ट्रांसलेटेड बाई ए वेब ब्राउजर। वेब पेज क्या होता है? ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको ब्राउजर ट्रांसलेट करके आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता है, जो कि HTML में लिखा हुआ रहता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता रखा है कि कोई भी ब्राउजर हो, दुनिया का कोई भी ब्राउजर, चाहे मोजिला हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे सफारी हो, कोई ब्राउजर ये HTML JavaScript को ही समझता है और CSS को ही समझता है, बाकी किसी लैंग्वेज को नहीं समझता है। जब किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखकर आप देते हैं ब्राउजर को, तो वहाँ पर वो कन्वर्ट होकर HTML और JavaScript में ही जाता है, जिसको ब्राउजर अंडरस्टैंड कर पाता है, जिसके बारे में आपके सामने उन सारी चीज़ों को दिखा पाता है जो आपने उस कोड के अंदर लिख रखा है। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब। तो छोटा सा मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसके वर्जन्स, हिस्ट्री और फीचर्स के बारे में भी बात करूँगा, फिर आपको लेकर आऊँगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर, और आपके इसके फीचर्स वगैरह बार बताऊँगा। मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस HTML की बात कर रहा हूँ, इसके टैग कैसे डिजाइन करते हैं किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर को। हालांकि इन सारे चीज़ों को, जो भी मैं आज के एग्जाम्पल में टैग वगैरह यूज करूँगा, वो सारे डिटेल्स में मैं आगे आने वाले वीडियोज में एक एक करके सब बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए मैं शॉर्ट कोर्स में थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाने वाला हूँ, जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं आपको लिए चलता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं किसी नेम से। जैसे मान लिया, हमने लिया HTML डेमो नेम से फोल्डर हमने बना लिया, और इस फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, एक नोटपैड बनाते हैं। ठीक है, नोटपैड का, या फिर मैं यहाँ से नोटपैड सर्च कर लेता हूँ, नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इस नोटपैड को मैं क्या करूँगा, इसी HTML डेमो के अंदर सेव कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ डिजाइन करता हूँ कि HTML में हम लिखते कैसे हैं। देखिए, कोई भी आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट टाइप बताया जाता है, उन सारी चीज़ों को आगे मैं डिस्कस करूँगा। मैं सो अभी सिंपली एक HTML का पेज, छोटा सा हेलो वर्ल्ड लिखकर आपको प्रिंट करा के दिखाने वाला हूँ, उसमें टैग्स का मतलब समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम क्लोजिंग टैग लगाते हैं, कौन कौन से टैग होते हैं जो कि क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ क्लोजिंग टैग को कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप HTML का पेज डिजाइन करते हैं, तो आप नोटपैड पर नहीं करेंगे, जब कॉर्पोरेट में काम करें तो नोटपैड पर नहीं करेंगे आप वहाँ पर। मैं ऐसे ही आप लोग को एग्जाम्पल के लिए नोटपैड पर दिखा रहा हूँ। आप जब किसी कंपनी में काम करेंगे तो एडिटर दिया जाएगा, जैसे VS कोड होता है, जिस पर मैं आप लोग को अगले वीडियो में इंस्टॉलिंग सिखाऊंगा कि VS कोड कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, VS कोड में कैसे इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, कैसे वहाँ पर इसको टाइप करेंगे। यहाँ पर हमें सब कुछ टाइप करना पड़ेगा, लेकिन VS कोड में जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो आपको इंटेलिजेंस आएगा और आपको हिंट देगा कि ये लिखना चाहते हैं क्या, जो आपको टाइप करने में हेल्प करेगा। आप स्टार्टिंग टैग देंगे, क्लोजिंग टैग वो अपने आप देगा, तो बहुत फास्ट आप कोडिंग कर सकते हैं, जो अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो एडिटर के बारे में कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करेंगे, उस पर लाइव सर्वर कैसे बनाते हैं, कि जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे और आप ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, अपने आप दिखने लगेगा उसका कोड। तो सब कुछ देखने वाले हैं अगले वीडियो में, तो आप एक ही वीडियो मिस मत करिए, क्योंकि ये आपके कैरियर की बात है।
देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा HTML, HTML और इसका क्लोजिंग टैग कर दूँ, टैग दे दूँगा। देखिए, आपका बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि HTML के अंदर जो भी टैग लिखेंगे, इनको हम बोलते हैं टैग। जो भी टैग हमें, अब टैग क्या होता है, टैग का डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ हम आगे आने वाले वीडियोज में स्टेप बाई स्टेप बिल्कुल डीपली बताने वाले हैं। तो इसको भी शॉर्ट्स में एज ए इंट्रोडक्शन समझिए। हमने HTML का क्लोज टैग लिया, इसका क्लोजिंग टैग कर दिया। जब भी आप कोई भी टैग लेंगे तो उसको क्लोज जरूर करेंगे, ठीक है, जो क्लोजिंग टैग होते हैं। कुछ ऐसे भी टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं, जैसे BR टैग हो गया, HR टैग हो गया, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को काम करेगा। उसको भी यूज करके दिखाऊंगा। तो हमने HTML लिया, इसके बाद पहला जो HTML के अंदर जो हम टैग लेते हैं वो होता है हेड। अब हेड क्यों लेते हैं, हेड क्या होता है, हेड के अंदर क्या लिखते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। हेड के अंदर एक्चुअली हम मेटा डेटा वगैरह रखते हैं, मेटा डेटा टाइटल ये सब रखते हैं। तो मेटा डेटा क्या होता है, टाइटल क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। इसको भी मैंने क्या किया, हेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी हेड के अंदर मैं कोई टाइटल वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, डालूंगा और दिखाऊंगा कि देखिए कहाँ दिख रहा है। अभी आज इसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। इसके बाद एक बॉडी टैग लिया आपने। बॉडी क्या होता है, जो आपके ब्राउजर में दिखेगा, बॉडी के अंदर जो भी आप डालेंगे, बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज़ें आप लिखेंगे वो आपके ब्राउजर में दिखेगा। यहीं पर वो सब कुछ लिखा जाता है, डिजाइन किया जाता है, जो यूजर को आपको दिखाना होता है बॉडी टैग के अंदर। अब आगे आने वाले वीडियोज में जब मैं CSS पढ़ाऊंगा, जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, तो हम बताऊंगा कि उनके स्क्रिप्ट को कहाँ लिखा जाता है, CSS को कहाँ लिंक किया जाता है, CSS फाइल बनाते कैसे हैं, वो सब कुछ आगे देखेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं HTML और HTML का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो देखिए, यहाँ पर हम बॉडी लिख दिया। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो, देखिए हेलो अगर लिखता हूँ, तो देखिए हेलो दिखना शुरू हो जाएगा कहाँ पर, ब्राउजर पर, जब मैं इसको ब्राउजर पर ओपन करूँगा। इसको मैं लिखता हूँ, सेव करता हूँ, और सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पर HTML डेमो के अंदर, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, index.html, ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पर, और वहाँ पर डेस्कटॉप पर जो हमने फोल्डर बना रखा है, डेस्कटॉप पर आया और इस फोल्डर के अंदर आया मैं, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर जो ये है इसको मैं क्लिक करता हूँ। देखिए हेलो लिखा हुआ आ गया, ये हेलो दिख रहा है कहाँ से, आपके डॉक्यूमेंट से, आपके आपने जो इंडेक्स डॉट HTML पर लिख रखा है उससे। देखिए अब मैं यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको हटाया और यहाँ पर एक H1 टैग देता हूँ। अब H1 टैग क्या होता है, H2 क्या होता है, H3 क्या होता है, सब कुछ आगे देखेंगे। H1 मतलब कि हेडर बनाता है, ये हेडर में सबसे बड़े हेडर को, जो साइज में बड़ा होता है, लार्जर हेडर होता है, उसके लिए H1 होता है। H2 करेगा तो उससे छोटा हो जाएगा, H3 करेगा तो उससे छोटा हो जाएगा। हेडर बनाने के लिए, हेडिंग बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, हेडिंग बोलते हैं, हेडर नहीं, इसको हेडिंग बोलते हैं। H1 को बोलते हैं क्या, हेडिंग टैग, मतलब हम हेडिंग बनाने के लिए, हेडर में जो हेडिंग दिखता है उसके लिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, वेलकम टू शाहोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और ये हमने लिख दिया। H1 को क्लोज कर दिया, सेव कर दिया। अब देखिए H1 दिख रहा होगा, चलेंगे ब्राउजर पर और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, देखिए ये दिख रहा है, ठीक है, H1 दिख रहा है क्या, वेलकम टू शाहोसॉफ्ट, जो हमने लिखा हमने वो सब कुछ यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। अब यहाँ पर मैं अगर H2 लेता हूँ कोई, H2 और यहाँ पर मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड। देखिए ये सब कुछ आगे मैं बताने वाला हूँ डिटेल्स में। इसको सेव करूँगा, ब्राउजर पर जाऊँगा, देखिए एक इससे छोटा में दिखा, ठीक है, ये भी हेडिंग टैग है। इसी करेगा तो इससे छोटा हो जाएगा, इसको करेगा तो इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम H1 लिखते हैं हेडिंग के लिए। अभी आप उस H1 पर एट्रीब्यूट वगैरह सेट करके इसको सेंटर में ला सकते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है अभी बताऊँगा आपको, ठीक है। अब देखिए, जैसे इन सारे टैग का क्लोजिंग टैग है, सबको मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज करते जा रहा हूँ, यहाँ पर क्लोज करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हेड के अंदर देखिए होता क्या है, कोई भी हम ब्राउजर ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो यहाँ पर टाइटल दिखता है, उस पेज का टाइटल, मतलब वेबसाइट का नेम, टाइटल जो भी दिखाता है। अभी यहाँ देखिए पेज का नेम दिख रहा है, ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पर आपको टाइटल दिखाना होता है कौन सा वेबसाइट। जैसे मान लीजिए आप हमारा वेबसाइट shahosoftech.com ओपन करते हैं, तो जैसे ओपन करेंगे देखिए होम दिखा रहा है और shahosoft का होम पेज है दिखा रहा है। तो ये आपका क्या है, टाइटल है। ये कैसे दिखाएंगे, इसको
आइकन, फेविकॉन आइकन बोलते हैं, ये भी आगे बताऊंगा इसको कैसे सेट कर। देखिए आइकन दिखा रहा है, ठीक है। ये टाइटल सेट करने के लिए हम यहाँ पर टाइटल लिखते हैं, टाइटल और लिख दिया मैंने शाहोसॉफ्ट। तो जहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ रहा था अब यहाँ पर वहाँ पर शाहोसॉफ्ट लिखा हुआ आएगा। इसको क्लोज करिए, टाइटल सेव करिए। देखिए हेड टैग के अंदर ही लिखना होगा टाइटल। अब यहाँ ब्राउजर पर चलिए और इसको रिफ्रेश करिए, जो इंडेक्स आ रहा है देखिए क्या आ जाएगा अब शाहोसॉफ्ट। तो ये टाइटल होता है। अगर आपने यहाँ पर और भी कोई टैग सेट किया, जैसे पैराग्राफ सेट कर दिया अभी हमने पी टैग, ठीक है, और लिख दिया आपने हेलो शाहोसॉफ्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स, और पैराग्राफ का हमने क्लोज कर दिया, तो ये नीचे दिखना सब पैराग्राफ चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर नीचे दिखेगा पैराग्राफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया पैराग्राफ टैग। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर और भी कुछ लिख रहा हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट 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 इस तरीके, देखिए आपको दिख रहा है कि एक दूसरे के नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दिखेगा कैसे उसको देखिए, इसको रिफ्रेश करेंगे सब एक ही लाइन में दिख गया। तो अगर आप चाहते हैं कि एक एक को नीचे दिखाएं तो आप बी आर टैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर लिखिए बी आर, तो ये सिर्फ क्लोजिंग टैग होता है। आप जाएंगे रिफ्रेश करिए, देखिए एक नीचे आ गया, एक जगह लगाया था। अगर सारे जगह हम लगा देंगे इसको तो सबके नीचे आ जाएगा। तो ये बी आर टैग होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ पर लगाइएगा वहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगा, देखिए सारे ब्रेक हो गए, रिफ्रेश करिए सारे ब्रेक हो गए। अगर कोई लाइन देना चाहते हैं तो एक एच आर टैग होता है, वो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक लाइन देना चाहते हैं तो एक एच आर टैग होता है। तो बहुत सारे टैग होते हैं, मार्केट टैग, एच आर टैग, सब लिखिएगा तो आगे सब कुछ मैं आपको लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए एक लाइन बन गया। अगर हेडिंग के यहाँ पर लाइन लिखना चाहते हैं तो हम इसको एचआर को कट करके यहाँ लगा दूंगा तो हेडिंग बन जाएगा, बढ़िया सा दिखने लगेगा। देखिए ये लाइन ऊपर चला जाएगा, देखिए हेडिंग बन गया। तो ये होता है क्या टैग्स। तो टैग में क्या होता है, देखिए इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, स्टार्ट टैग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में जो लिखे होते हैं उसको हम बोलते हैं कंटेंट। इसके अंदर आपने क्या लिख रखा है इसको हम बोलते हैं कंटेंट। तो हर टैग का एट्रीब्यूट भी होता है। एट्रीब्यूट मतलब जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपको देता है, एक्सटर्नल एक्टिविटी मतलब कि उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, एट्रीब्यूट में जो आईडी होता है, नेम होता है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए होता है एट्रीब्यूट। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक डिव लिया, देखिए डिव लिया और इस डिव के अंदर सबको डालता हूँ, बॉडी के अंदर मैं डिव लिया, डिव के अंदर डाल दिया हमने, और डिप का मैं यहाँ पर स्टाइल, ठीक है, इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कॉलन, और हमने कर दिया ब्लू, सेव कर दिया। तो ये हमने डिप का स्टाइल एक एट्रीब्यूट सेट कर दिया, स्टाइल सेट कर दिया। अब ये क्या दिखेगा, इसको रिफ्रेश करिएगा तो पूरा बैकग्राउंड इसका क्या होगा, डिप का ब्लू हो गया। तो क्या होता है कि हर एलिमेंट का, जैसे मान लीजिए हमने पैराग्राफ है, इसका आईडी सेट कर दिए, पैराग्राफ का आईडी सेट कर दिए, उसका नेम दे दिए, उसका वैल्यू दे दिए, ये सब कुछ आगे बताऊंगा कि एट्रीब्यूट होता क्या है। जैसे एंकर टैग होता है उसमें लिंक सेट करते हैं, कोई इमेज होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे IMG लिखते हैं, IMG, और इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमें होता है SRC, ठीक है, SRC आगे बताऊंगा मैं आप लोग को, और इसके अंदर मैं कोई इमेज का पाथ डालता हूँ तो वो इमेज यहाँ पर लोड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, SRC क्या है, एक एट्रीब्यूट है जो एक डेटा को जो डालेंगे उसको लोड कर देगा, इमेज का एक एट्रीब्यूट है। जैसे आपने H2 का एक आईडी दे दिया, और आईडी से जैसे आप यहाँ पर कुछ आईडी दे दिए, ID1, ठीक है, या H1 दे दिया आपने, ठीक है, तो ये आईडी हो गया। अब इस आईडी से मैं इसको गेट कर सकता हूँ कभी भी, H2 का आईडी है तो आप H2-1 कर दीजिए, तो इससे हम कहीं भी गेट कर सकते हैं। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में गेट करते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इस आईडी से हम गेट कर सकते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट कहलाते हैं, जो हर एलिमेंट का एट्रीब्यूट, बहुत सारे एलिमेंट
होते हैं और बहुत सारे एट्रीब्यूट भी होते हैं इस टेबल के अंदर, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से हम काम करते हैं इस टीम पर। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को दिखाया एक नोटपैड पर, यही सब कुछ मैं आगे आप लोग को एडिटर के अंदर जब दिखाऊंगा तो वहाँ पर और भी आपको सीखने में मजा आएगा और आपको दिखेगा कि हाँ, जैसे मैं यहाँ पर टाइटल लिख रहा हूँ, इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ, टाइटल को फिर क्लोज करना पड़ेगा, वहाँ पर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग ये चलता हूँ इसके HTML कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं एज ए HTML इंट्रोडक्शन वीडियो। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ HTML। देखिए, टीम बर्नर्स ली ने इसको डेवलप कर किया है, इसको HTML का इनको फादर बोला जाता है। ये इन्होंने डेवलप किया था HTML को 1991 में, हालांकि इस पर पहले ही 1989 में ही इन्होंने काम करना शुरू किया था। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है HTML5 है। इससे पहले HTML के और भी बहुत सारे वर्जन थे, लेकिन जो भी करेंट में जो वर्जन चल रहे हैं HTML5 वर्जन चल रहा है। बहुत ही क्रिएटिव और इफेक्टिव वर्जन है। ये सब बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जो पहले जो HTML पढ़ चुके हैं उनको भी ये सीरीज पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें HTML5 के बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपका कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है, उनको HTML आता है तो उनको भी बोले कि भी इस सीरीज को फॉलो करें, क्योंकि उनको भी HTML5 नहीं आता है। HTML5 से बहुत सारे हम डायनेमिक काम कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को इस सीरीज में कवर करके बताने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि HTML के फीचर्स कौन कौन से हैं, क्या फीचर्स हैं इसके। देखिए, इट इज़ ए वेरी ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसके टैग लिखने का स्ट्रक्चर बहुत ही, सिंटेक्स बहुत ईजी है, आप इजीली सीख सकते हैं। इजी टू राइट एंड इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इसके अलावा इट इज ए वेरी इजी टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन विद HTML बिकॉज इट हैज़ लॉट्स ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स। इसके पास बहुत सारे टैग्स हैं जिसको आप यूज करके आप अपने वेब पेज को इफेक्टिव बना सकते हैं। इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज, सो इट प्रोवाइड ए फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन वेब पेज अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। ये मार्कअप लैंग्वेज है, जो मैंने बताया मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। ये आपको लिंक देता है, ठीक है, फैसिलिटी देता है प्रोग्रामर्स को कि आप लिंक कर दीजिए एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को। आप एंकर टैग से, जैसे एक मैं एंकर टैग बताऊंगा आगे, एंकर टैग के अंदर HREF होता है, उसके अंदर किसी भी दूसरे वेब पेज का लिंक डाल दीजिएगा, तो जैसे उस पर क्लिक करें दूसरे वेब पेज पर विजिट कर जाइएगा। ये सब कुछ आगे मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। इट इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कैन बी डिस्प्ले ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, लिनक्स एंड विंडोज। देखिए, ये इसको किसी प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, ये ब्राउजर पर रन करता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करेगा ये, इसलिए इसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये क्या करता है कि प्रोग्रामर को फैसिलिटी देता है ग्राफिक्स, वीडियो और साउंड को एक वेब पेज पर रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए। ये HTML क्या होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो भी आप टैग लिखेंगे, विच मीन्स यू कैन यूज टैग आइदर इन लोअर केस और अपर केस। जो भी आप टैग लिखेंगे, या तो लोअर केस में लिखेंगे नहीं तो टाइटल केस, अपर केस में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें किसी भी बीच में टी कैपिटल कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक केस सेंसिटिव होता है, जिस केस में आपने टैग को स्टार्ट किया है उसी केस में आप टैग क्लोज भी करेंगे। इन सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे, हालांकि अभी इस सीरीज को फॉलो करिए, इंट्रोडक्शन पार्ट है। आगे मैं इन सारी चीज़ों को कोडिंग स्टैंडर्ड पर भी फॉलो करूंगा, कोडिंग स्टैंडर्ड भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से इसको लिखते हैं, क्योंकि ये सीरीज नॉर्मल सीरीज नहीं है, ये बिल्कुल ही बिगनर से एडवांस लेवल तक का सीरीज है। इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी हम कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि HTML क्या होता है, इसमें हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मार्कअप का क्या मतलब होता है, वेब पेज का मतलब क्या होता है, सब कुछ हमने देखा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट की रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर हाँ, अगर आपको बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज चाहिए तो आप हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक है, उस पर विजिट करिए, अपना बैच चूज करिए और अपना लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।